हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स कोड पे। कोड करे बिना डरे। दोस्तों आज मैं आ चुका हूं दोस्तों सिविल इंजीनियर की एक सर्टिफिकेट के साथ। दोस्तों तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का आप लोग को मिलने वाला है। तो अगर आप लोग सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो आप लोग के लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल इंजीनियर का एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट के साथ आ गया हूं। तो दोस्तों आप लोग अगर सिविल इंजीनियर से बिलोंग भी नहीं करते, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग इस सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर पाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल लेट्स कोड को, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को इसी तरह नई नई सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन, वेबिनार क्विजेस, इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो लिंक है दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप लोग सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में आ जाएंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं 9th सेम की तरफ से आप लोगों को ये दी जा रही है दोस्तों सर्टिफिकेट। तो यहां पे आने के बाद दोस्तों आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं, अगर ये फॉर्म आप लोग को क्लोज दिखता है, तो आप लोग नेक्स्ट जाके फिर से ट्राई आउट कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है, गूगल फॉर्म का क्राइटेरिया रहता है एक दिन में कुछ ही फॉर्मों को एक्सेप्ट करना। तो बाय द वे अगर आप लोग को ये फॉर्म क्लोज दिखता है, तो आप लोग नेक्स्ट डे फिर से आके ट्राई आउट कीजिएगा, नेक्स्ट डे फिर से ये फॉर्म रीओपन हो जाता है। तो यहां आने के आप लोगों को ईमेल एड्रेस अपना अच्छे से फिलअप करना है, क्योंकि एट द एंड आप लोगों को सर्टिफिकेट ईमेल एड्रेस पे भेजी जाती है। तो ईमेल एड्रेस में कोई भी गलती मत कीजिएगा, अपना नेम लिखना है दोस्तों, उसके बाद आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो लिख देना है, यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना है, कौन से ग्रेजुएशन के बैच में वो यहाँ पे डाल देना है, मोबाइल नंबर अपना डालना है, और आप लोग को ये क्विज के बारे में कहाँ से पता चला वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, एक एक करके सारा आंसर देखेंगे, सर्टिफिकेट को कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इरिगेशन पोटेंशियल of the medium irrigation project, तो इसका correct option है 2000 to 5000, second वाला option है। Next question है, in middle water scarce area, the drip irrigation could be preferred for growing, तो इसका correct option है fruits and vegetable। Next question है दोस्तों, the method of growing crops on ridges running on the sides of water ditches is known as, तो इसका correct option है furrow irrigation। Next question है, which of them is the perennial crop, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों सुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजाइन पीरियड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट यूनिट बाय GOI मैनुअल इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 15 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट परसेंटेज डज डोमेस्टिक वाटर डिमांड कंट्रीब्यूट टू टोटल वाटर कंजप्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 50 to 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी गिवन 5 डे इनक्यूबेशन पीरियड एट 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BOOD of industrial sewage in kg per day given population equivalent as 6000%, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन COD टेस्ट इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पोटेशियम डाइकॉर्मेट। दोस्तों आगे का आंसर बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर पाता हूँ, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करता हूँ दोस्तों। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग यहां पे, एंड यहां पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हेन कार्बन कंटेंट्स लेस देन 0.1% स्टील इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डेड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इन 270 डिग्री इट्स रिड्यूसिंग बियरिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन W 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए हाइड्रोलिक बजट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इक्वल टू स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवोपरेशन फ्रॉम ओशियन कंट्रीब्यूट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डे ऑफ एट द इक्वेटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रीप कोफिशियंट फॉर कंक्रीट आफ्टर लोडिंग ऑफ 28 डेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आप लोग का 1.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर फ्लेक्सिबल क्रशिंग इज एज्यूम एट टू ओकर एट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फ्यूगर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेशर ए बी एंड सी आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी लो कार्बन स्टील इज यूज्ड फॉर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वायर नेल्स।
नेक्स्ट फिर आप लोग देख सकते हैं, फिर आप लोग को सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आप लोग व्यू स्कोर को भी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। एंड व्यू स्कोर करने के बाद आप लोग का स्कोर यहाँ पे दिख जाएगा, आप लोग का 20 out of 20 आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप लोग को मेल को चेकआउट करना है, मेल पे आप लोग को सर्टिफिकेट भेज दी जाती है। अगर सर्टिफिकेट नहीं आती है दोस्तों तो आप लोग वेट कर सकते हैं 48 आवर, अगर फिर भी नहीं आती है तो आप लोग फिर से री अटेम्प्ट कर सकते हैं स्क्विज को, और कुछ इस तरह का आप लोग सिविल इंजीनियर का वेरीफाइड सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं। तो होप करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर पाए। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सर्टिफिकेशन कुछ नए कोर्सेज के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।